यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत। किया है इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। नमस्कार, 12 फरवरी 2022, FIR जुर्म की दुनिया से। इस धारावाहिक के माध्यम से आपके और हमारे बीच एक स्नेह भरा संबंध बना। आप दर्शकों का असीम प्रेम पाने के बाद हमने दूरदर्शन से धारावाहिक के 13 एपिसोड दिखाए और एक्सटेंशन मिला। मैं जाहिद खान आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस धारावाहिक के माध्यम से राजस्थान पुलिस के जवानों की सूझबूझ से सुलझाई गई वो गुत्थियाँ आपके सामने लाता रहूँगा जब भी धारावाहिक FIR की कहानी का चित्रण होते हुए देखता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब हमारी टीम को इस कहानी को फिल्माने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो अपराधी आखिर किस मिट्टी के बने हुए जो घिनौने से घिनौने अपराध को भी आसानी से अंजाम दे देते हैं। जैसे मात्र एक मोबाइल के खातिर किसी घर के चिराग को बुझा दिया इन दरिंदों ने। क्या है यार तुम भी? और भाई कैसा है? बस बैठे भाई। क्या चल रहा है? उसके पीछे से दबोचा लगा था और मैंने उसे आगे से दबोचा था जब तक उसकी जान नहीं चली गई साहब। वो तड़पता रहा साहब। कोटा के किशोरपुरा इलाके की सिंधी कॉलोनी से 4 दिन पहले लापता हुए मोबाइल व्यवसायी निखिल टेकवानी की जली हुई कार अपनी कार पुलिस ने शहर से दूर जंगल से बरामद की है। जली हुई कार उद्योग नगर थाना इलाके में मिली है। कार की शिनाख्त पुलिस ने कर दी है। जली हालत में मिली क्रेटा कार निखिल टेकवानी की ही है। फिर भी हमारे दिमाग में बात थी कि भगवान ये गाड़ी हो कहीं इसके अंदर बॉडी नहीं हो, कि हम नहीं चाह रहे थे कि कोई डेड बॉडी मिले। हम ना एसपी साहब चाह रहे थे ना कोई, हम नहीं चाह रहे थे। हम चाहते थे कि जो बच्चा है जीवित ही हमको मिले। लेकिन इसी बीच 2 घंटे बाद हमारे पास दोबारा फ़ोन आया कि एक डेड बॉडी और मिली है। हम लोगों में भी घबराहट बढ़ी क्योंकि ये चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम चाह रहे थे कि वो बच्चा जीवित ही मिले। लेकिन
शायद नहीं थी, वो कुछ और ही मंजूर था और वो डेड बॉडी मिली। वैशीपन और ऐसा तीन जनरेशन एक साथ, 13 साल, 26 साल और 62 साल, यानी तीन वैश्यों ने मिलकर एक नाबालिग की इज्जत को तार तार किया। क्या इन्हें इंसान कहा जा सकता है? नहीं, लेकिन नमन है उन पुलिस वालों को जिन्होंने रात दिन एक करके इन गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अरे मेरी हमारी चोरी कितने मर्डर। यस सर, बेचारी का बलात्कार करके पत्थरों से बुरी तरह मारा गया। एनी क्लू? नहीं सर, अभी कुछ नहीं मिला है। लोगों से पूछताछ की है लेकिन कुछ खास बात निकल कर सामने नहीं आई। रात भर हमने FSL टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया और वहाँ आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया ड्रैगन लाइट में, क्योंकि अंधेरा था और बहुत ही ठंडा था। तो 2-3 ऐसे चोर बुलाए गए और वहाँ पे रात को पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया। फिर डॉग का यूज़ करा गया, डॉग ने उस अंडरवियर को स्मेल किया। उसके बाद वो डॉग जितने भी सस्पेक्ट्स हमने पकड़े थे उनमें जाके एक एक्यूज के पास बार बार जाके वहाँ खड़ा हो रहा था और उसको बार बार उसके ऊपर चढ़ रहा था। कभी कभी मन करता है तुम लोगों को सीधे गोली मार देनी चाहिए, मगर हम कानून से बंधे होते हैं। हमारे जज्बात हो सकते हैं लेकिन हम फैसले नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में न्याय के लिए न्यायालय है। ऑफिसर, इनके चार्ज शीट के हर पन्ने पर इनके गुनाहों की इबारत लिखी होनी चाहिए ताकि अदालत से बचना पाए। महिला अधिकारी का जुनून किसी पुरुष अधिकारी से कभी भी कमजोर नहीं रहा। अब चाहे वो लेडी ऑफिसर आबकारी विभाग से हो, वन विभाग से हो या फिर पुलिस विभाग से हो, अपराधियों को भयभीत करने के लिए इनका जुनून ही काफी है। किसके लिए काम कर रहे हो? ये सारी जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। ये अवैध खनन हो रहा है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैम, ये बड़ी मुश्किल से आदमी आया है, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करें। शर्मा जी, आप एक्शन लीजिए। मिस्टर सक्सेना, कम विद मी। ऑल ऑफ यू प्लीज हैव योर सीट्स। थैंक यू। हां मिस्टर सक्सेना साहब, सब आ गए? जी मैडम, सब आ गए, बस आप ही का इंतजार था। देखिए, अभी तक जो भी हो रहा था सब ठीक है, मगर हमें हर हालत में
फॉरेस्ट की जमीन पे हो रहे इस अवैध खनन को रोकना होगा। लेकिन कैसे? इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इनसे टकराना जंग लड़ने जैसा है। हमें मालूम है कि हम लोग जंग लड़ रहे हैं। वो भी बिना हथियार के? यस सर, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो काफी हद तक इस चुनौती को हम सॉल्व कर सकते हैं। यस मैम। हम लोग नेलवा और हिंडोली के रेंजर्स की अगुवाई में दो टीम तैयार करेंगे। हमारे मुखबिर मुझे सूचना देंगे और मैं आप दोनों को, लेकिन याद रहे ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। डाबी में अवैध खनन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो फिर मैंने एक और योजना बनाई। काफ़ी सारे पत्थर के स्टॉक्स वहाँ पे पड़े हुए थे माइनिंग उसमें करने के, और जैसे ही मौका मिलता है ये खननकर्ताओं को, तो मौका देख के ये पत्थर अपनी गाड़ी में लोड करते हैं और लेके चले जाते हैं। तो फिर हमने एक वो किया, एक ब्लास्टिंग वाले से बात करके, हालांकि ब्लास्टिंग करने के लिए कोई यहाँ पे तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना डर है इन अवैध खनन माफियाओं का कि ये जो छोटे लेबर्स होते हैं वो भी बोले कि नहीं मैडम, हम लोग नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। और ये फिर मैंने काफ़ी समझाइश की उनसे और उनको समझाया इस बात के लिए, तो उन्होंने फिर वहाँ पर आके फिटिंग करवाया, वो जो ब्लास्ट करते हैं वहाँ पर ब्लास्टिंग टेक्निक वो जो लागू करते हैं, और सारा फिर मौके पे मैं खुद गई, क्योंकि स्टाफ को एक स्टाफ में मनोबल बढ़ता है जब आपके अधिकारी साथ में होते हैं, लीड करते हैं फ्रंट से। तो वहाँ पे मैं जाके और सारा व्यवस्था वगैरह देख के सारे सड़क वड़क बंद करा के, ताकि इधर से कोई आए जाए नहीं, कोई घायल नहीं हो, कोई कैजुअलिटी नहीं हो, तो वहाँ पे फिर मैंने ब्लास्टिंग कराया था। तो इससे हुआ क्या कि जो जमा वहाँ पे पत्थर थे, वहाँ का स्टॉक तो नष्ट हो ही गया, प्लस ये मैसेज सब में चला गया कि ये ब्लास्टिंग जो हुआ है ये कहीं पे भी हो सकता है, और इनसे इनके करोड़ों का नुकसान होता है जो ये पत्थर निकाल के रखते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज मिला। केसेस होते हैं और करीब 21 चालू भट्टियां हम लोगों ने नष्ट की है। तो जो चालू भट्टियां हम लोग नष्ट करते हैं उसकी हम FIR जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी में दर्ज करते हैं। सेक्शन 498 AIPC के तहत मुलजिम योगेश कुमार, माता संगीता कुमारी, पिता सुनील कुमार और भाई दीपक कुमार के खिलाफ फरियादी ममता कुमारी ने केस फाइल किया था, लेकिन दोनों पक्षों ने एक ही फरियाद पेश की है। इसके तहत मुलजिम योगेश कुमार और उनके परिजनों ने यह आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में ममता कुमारी के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वो देखो तो जरा, वो औरत लंगड़ाती हुई क्यों आ रही है, जरा पता करो तो क्या बात है। मेरा नाम ममता है। मुझे बहुत दूर मिलते थे मारा है मैडम, उन्होंने देखिए किस तरीके से हाथ पे मारा है। मैं मेरे सास ससुर देवा सब लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। और तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? बताता हूँ मैं तुझे। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझे।
सुन, आज के बाद अगर तूने तोड़ा ना कुछ। तो जब उसने मुझे अपनी चोटें बताई तो उसकी चोटें देख करके एक बार मन इतना द्रवित हो गया, मतलब आंखों में आंसू आ गए कि उसके शरीर पर 22 चोटें थी और इतनी ज़्यादा चोटें थी उसके शरीर पर कि मन में ये ख्याल आया कि यार इसके इतनी सारी चोटें इसीलिए है कि ये महिला है, ये पत्नी है और इसके साथ इतनी निर्दयता उन लोगों ने करी है। भाभी, अरे ममता, मैंने तुझसे कहा था ना कि गाड़ी की किस्त तेरा भाई भरेगा, देख गाड़ी चली गई ना। नाम तो हुआ तुम लोगों का कि साहब दहेज में कार दिए और किस्त भरे हम, वाह क्या चालाकी है तुम लोगों की। वाह वाह, घूमो आप और किस्त भरे। रुक आ, तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। जाप्ता तैयार रखो, मैं आ रही हूँ अभी। 16 जनवरी 2022 की शाम को एक नाबालिग आदिवासी पीड़िता अपनी माँ के साथ थाना धरियाबाद पर आकर अपनी कंप्लेंट देती है। मैडम जी, आज से 10-15 दिन पहले कुछ छोरी ने मेरी छोरी के साथ कुछ। कौन है वो लोग, क्या नाम है उनका, नाम पता दीजिए। देखो बेटा, आप उनके बारे में हमको नहीं बताएंगे तो हम उन लोगों को कैसे गिरफ्तार करेंगे। मैं काजल और उसका मंगेतर रति राम मोटरसाइकिल से काजल के ससुराल जा रहे थे। ऐसा चाहिए, मोबाइल चाहिए, छोरियां भी। निकल गए सामने, चल लेके चले अंदर। तू वीडियो बना रहे हैं, जाने दो, जाने दो मुझे, क्यों ना मुझे यहाँ पे, जाने दो प्लीज मुझे, जाने दो। इसे कैसे जाने दे, अरे इतनी मेहनत से पकड़ कर लाए, प्लीज जाने दो मुझे। ये चीज़ जैसे ही वो हमें बताती है तुरंत FIR दर्ज होती है। थाना अधिकारी मुझे इन्फॉर्म करता है और उसके अवज में हम मैं निर्देश देती हूँ। अबे ठंड लग रही है क्या, डिटेल लाऊं? अरे तुम सब यहाँ बैठे हो, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, भागो भाई भाग। बेशक मोहब्बत एक पाक रिश्ता है अगर वो जायज हो तो, नाजायज तो हर रिश्ता अपराध को जन्म देता है, जैसे कि ये। लगता है बुड्ढा गया। संध्या, खुद तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, छोड़ो। बताऊं ना क्या बात है? जब आप घर पर नहीं थे तब मुरारी जी घर आए थे, मैंने उनको मना कर दिया कि आप घर पर नहीं हो, और उस वक्त मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही थी तो मैंने मुरारी जी को भी पूछ लिया और मुरारी जी ने मेरी बात नहीं टाली और वो चाय के लिए बैठ गए। शायद बाबूजी को यह बात मेरी पसंद नहीं आई। शायद बाबूजी को अपनी बहू पर विश्वास नहीं है कि मेरे चरित्र से। अरे यार, तुम बाबूजी की बातों को बुरा मान गई।
सर एसपी साहब आ गए। ये रुकिए सर। कुछ पता चला कौन है ये, कहाँ का रहने वाला था? नहीं सर, हम भी अभी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए। सबसे पहले लाश किसने देखी यहाँ पे? सर रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले रेलवे कर्मी। अच्छा। मृतक के पिता की मेरी पुत्र वधु कृष्णा कुमारी और संतोष विगत कुछ समय से मेरे पुत्र के साथ ओम प्रकाश के साथ वहाँ रह रही थी, और उसका किसी धनराज मीणा नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध थे, जो वो हमारे घर आता था, जो हमने उसको मना कर दिया था कि भाई वो हमारे घर नहीं आवे जावे, तो हमें शक है कि कहीं ना कहीं वो ये घटना कारित करवाने में सहयोग कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने भी ये मर्डर किया है वो ज़्यादा दूर नहीं गए होगा, कहीं ना कहीं हाड़ौती क्षेत्र में ही छुपा होगा। उसे भनकना हो इसलिए अपने को सारे काम गोपनीयता और सावधानी पूर्वक करने होंगे। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ पछतावा ही रह जाता है, अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। अपराधी ये न सोचे कि वो अपराध करके बच जाएंगे, पुलिस की पैनी नजर है उन पर, हर हाल में सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए नमस्कार।